बताऊंगी शॉर्ट ट्रिक किसके बारे में कि पावर्स अगर ऐसे दे रखे हो अलग अलग तो कौन सा नंबर ग्रिड है इसमें से। ठीक है, ये बात करते हैं आज हम। कैसे देखो, 3 की पावर 2 फिर पूरे की पावर 3 है और इधर 3 रेशियो की पावर 2 फिर 2 की पावर 3 है ना। इन दोनों में डिफरेंस है, देखो कैसे अब इनके आंसर में डिफरेंस आएगा और फिर हम ये बताएंगे दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 रेशियो की पावर 2 रेशियो की पावर 3 है तो पावर एंड पावर आपस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 3 रेशियो की पावर 3 2 6। और यहाँ देखो 3 रेशियो की पावर 2 रेशियो की पावर 3 है, 2 रेशियो की पावर 3 कितना होता है 8, तो 3 रेशियो की पावर 8 हो गया। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से कौन सा नंबर ग्रेटर है 3 रेशियो की पावर 8, तो 3 रेशियो की पावर 6 और 3 रेशियो की पावर 8, तो नंबर कौन सा बड़ा है 3 रेशियो की पावर 8। ठीक है, ऐसे ही हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे मान लो 2 रेशियो की पावर 3 रेशियो की पावर 2 ले लिया और दूसरी साइड 2 रेशियो की पावर 3 रेशियो की पावर 2 ले लिया। ठीक है, सेम देखो दोनों चीजें सेम है, इसमें भी पावर 2 की पावर 3 फिर पूरे की पावर 2 दे रखा है तो पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये बन जाएगा 2 रेशियो की पावर 6। और यहाँ देखो 2 रेशियो की पावर 3 3 की पावर 2 है, कोई ब्रैकेट नहीं है तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 कितना होता है मीन 3 रेशियो की पावर 2 है ना, 3 स्क्वायर इज 9 है ना, तो ये हो जाएगा 2 रेशियो की पावर 9। नाउ विच वन इज ग्रेटर 2 रेशियो की पावर 9, ये हमारा बड़ा नंबर